बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेने होंगे कड़े फैसले। गोवा पहुंचे प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा देश की अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी नहीं, देश को आर्थिक बीमारी से निकालना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का गोवा में पहला दौरा, पीएम बोले देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए उम्मीद है कि लोग साथ देंगे। प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाया, कहा बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही है और जनता से बीजेपी को जुड़े रहना होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले प्रधानमंत्री, कहा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, जनता ने हमें बहुमत दिया है, जाति और परिवार की राजनीति हारी। भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य नौसेना में शामिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आईएनएस विक्रमादित्य देश को समर्पित। आईएनएस विक्रमादित्य से भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत, 44,500 टन वजन वाले आईएनएस विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया है। आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने की नौसेना के अधिकारियों से मुलाकात, MiG-29 के कॉकपिट में भी सवार हुए नरेंद्र मोदी। आईएनएस विक्रमादित्य पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हिंदुस्तान किसी देश के आगे आंख नहीं झुकाएगा। पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता, जाबाज नौसैनिकों की मोदी ने की तारीफ, कहा देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों की याद में बनाए जाएंगे युद्ध स्मारक। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन पर भारत सख्त, रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर का किया दौरा, कहा सीज फायर उल्लंघन का सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। सीमा पर पाकिस्तान की युद्ध विराम उल्लंघन पर रक्षा मंत्री की दो टूक, बोले सेना बर्दाश्त नहीं करेगी पाक की नापाक हरकत, किसी भी हालत से निपटने के लिए सेना सक्षम। आईबी का अलर्ट, मोदी सरकार को चुनौती देने की तैयारी में लश्कर और जैश के आतंकी, 15 अगस्त तक बड़े हमले की फिराक में आतंकी, आतंकियों के टारगेट पर कई बड़े नेता। भारत की खुफिया एजेंसी का दावा, सीमा पर घुसपैठ की फिराक में 60 से 70 आतंकी, आईएम और सिमी को मिली भारत को दहलाने की जिम्मेदारी। आईबी ने जारी की चेतावनी, आतंकियों के टारगेट पर राम मंदिर, वैष्णो देवी और शिरडी साई मंदिर, आतंकी विमान हाईजैक कर हमला कर सकते हैं। आईबी के खुफिया अलर्ट के बीच वाराणसी से बरामद हुआ विस्फोटक, एक कार में छिपाया गया था भारी मात्रा में विस्फोटक। वाराणसी के लंका इलाके से 145 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, टोल टैक्स पर चेकिंग के दौरान कार छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। विस्फोटक मिलने के बाद वाराणसी में बढ़ाई गई चौकसी, विस्फोटक ले जा रहे कार ड्राइवर की तलाशी में जुटी पुलिस। पुलिस जांच में पता चला कि बिहार ले जाया जा रहा था विस्फोटक, संदिग्धों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। शक के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस की पूछताछ जारी। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचेंगे पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी के स्वागत में जुटा भूटान, 2 दिन के दौरे पर भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। नरेंद्र मोदी के भूटान पहुंचने को लेकर भूटान के प्रधानमंत्री हैं उत्साहित, भूटान पीएम तशेरिंग तोगबे ने कहा कि भारत भूटान रिश्ते होंगे और मजबूत। पीएम के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी भूटान में होंगे मौजूद। पीएम मोदी भूटान की राष्ट्रीय असेंबली और राष्ट्रीय परिषद की संयुक्त बैठक को भी करेंगे संबोधित। भूटान के बाद जुलाई में ब्राजील और सितंबर में पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, सूत्रों के मुताबिक 30 सितंबर को होगी राष्ट्रपति ओबामा से मोदी की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के बिगड़े कानून व्यवस्था पर नाराज है एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह, अपने घर पर बुलाई आपात बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को मुलायम सिंह यादव ने किया तलब, मीटिंग में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी कल रहेंगे मौजूद। बीजेपी और बागियों से घबराए जेडीयू नेता नीतीश कुमार, लालू और कांग्रेस से राज्य सरकार को बचाने के लिए मांगा समर्थन। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर लगाया राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप, कहा राज्यसभा उपचुनाव के बहाने बीजेपी बिहार की जीतन राम मांझी सरकार को गिराना चाहती है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री बाबूलाल गौर के घर के बाहर को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, रेप पर बाबूलाल गौर के बेतुके बोल पर नाराज है महिलाएं। मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा का दर्ज किया बयान, बयान में कहा 30 मई के आईपीएल मैच के बाद नेस वाडिया ने की उनके साथ बदसलूकी।
अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने मीडिया में जारी किया अपना बयान, कहा मेरे लिए कठिन वक्त, मेरा मकसद खुद का बचाव करना, ना ही किसी को आहत करना। प्रीति जिंटा के मंगेतर रह चुके हैं उद्योगपति नेस वाडिया, लेकिन बाद में हो गया था नेस और प्रीति का ब्रेकअप। नेस वाडिया ने किया सारे आरोपों से इनकार, वाडिया ने कहा उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जुटा रही है सबूत, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में लगे सीसीटीवी फुटेज की ले रही है मदद। प्रीति जिंटा ने की मीडिया से सहयोग की अपील, पुलिस भी वीआईपी बॉक्स में मौजूद लोगों और प्रीति के करीबियों के बयान लेने में जुटी। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की भी पैरी नजर, अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा मुंबई पुलिस करे मामले की संगीनता से जांच ताकि सच आ सके सामने। केदारनाथ में आई भयानक आपदा के एक साल बाद भी नरकंकाल मिलने का सिलसिला जारी, उत्तराखंड के जंगल चट्टी इलाके में फिर मिले नरकंकाल। पिछले साल 16 जून को आई थी केदारनाथ घाटी में भयानक तबाही, तबाही के बाद सैकड़ों लोग गायब हो गए थे। प्राकृतिक आपदा के एक साल बाद घाटी में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा News 24, अपनों को खोने वाले लोगों के जहन में आज भी ताजा है जख्म। ग्राउंड जीरो पर News 24 की टीम ने की लोगों से बातचीत, अभी भी कई परिवार के गायब हुए लोगों का कुछ पता नहीं। घाटी में उत्तराखंड सरकार फिर से चलाएगी खोजी अभियान, गायब हुए लोगों के शव एक बार फिर से ढूंढे जाएंगे। लखनऊ में सीएम कार्यालय को पेपरलेस बनाए जाने का निर्देश, कार्यों में पारदर्शिता और तेजी से फैसले लेने के लिए यूपी सरकार का फैसला। यूपी में बढ़ते क्राइम ग्राफ के खिलाफ बीजेपी का हंगामा, गोरखपुर में सड़क पर उतरे बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, अखिलेश सरकार को दी चेतावनी। दिल्ली में बिजली पानी की मांग को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया। बिजली संकट से जूझ रही राजधानी दिल्ली में कांग्रेसियों ने हर हर बत्ती घर घर मोमबत्ती से शुरू की कैंपेनिंग, सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। श्रीनगर में 4.8 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती, डोडा में भूकंप के झटकों से गिरा अचियाना, हादसे में 2 की मौत, 1 जख्मी। दिल्ली में शबे बारात के दौरान कई जगह हंगामा, हुड़दंगी बाइकर्स ने पूरी रात सड़कों पर मचाया हुड़दंग, पुलिस ने रात भर काटा चालान। दिल्ली में बेलगाम हुड़दंगियों ने फूंक डाली पुलिस की बाइक, जगह जगह बैरिकेटिंग और चालान से गुस्साए हुड़दंगियों ने पुलिस की बाइक जलाई। देवास भोपाल कॉरिडोर पर बने टोल प्लाजा पर दबंगों की गुंडागर्दी, टोल टैक्स मांगने पर दबंगों ने टोल कर्मी को पीटा, टोल प्लाजा में की तोड़फोड़। संगरूर के खाड़ी आल गांव में मालवा ग्रामीण बैंक के गार्ड की हत्या, 3 बदमाशों ने बैंक में घुसकर मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हत्या का वीडियो। झारखंड के रामगढ़ में नक्सलियों ने सीसीएल के कर्मचारियों और गार्ड को बंधक बनाया, नक्सलियों के दहशत से परहेज, परियोजना का काम हुआ बंद। फैजाबाद बहराइच हाईवे पर 2 ट्रक की टक्कर, हादसे के बाद रिफाइंड लदे एक ट्रक में लगी आग, दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। गुजरात के आणंद जिले में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक जीप की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 11 लोग जख्मी, घायलों में कई की हालत गंभीर। इम्फाल के मोइरंगकुओं इलाके में कम तीव्रता का धमाका, ब्लास्ट में एक शख्स जख्मी, पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन किया शुरू। नैनीताल में पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने वाले अपने ही दोस्त को पति ने मारी गोली, पत्नी के चाल चरित्र पर नजर रखने वाले सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मंडी हादसे में ब्यास नदी में बहे छात्रों का सर्च ऑपरेशन जारी, एसएसबी के जवान छात्रों की तलाश में जुटे, सेना ने जल्द कामयाबी मिलने की जताई उम्मीद। मुंबई में बना हुआ है हाई टाइड का खतरा, दोपहर 1 बजे एक बार फिर उठी समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, लहरों के करीब न जाएं लोग, मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की मौसम विभाग की हिदायत। मॉनसून से पहले हाई टाइड ने बढ़ाई मुंबई घर की मुश्किलें, सड़कों पर जमा पानी लोगों के लिए बना मुसीबत। राजधानी दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली एनसीआर में हुई जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहावना। बारिश और ठंडी हवाओं का दिल्ली वालों ने उठाया जमकर लुत्फ, मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून तक दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिलेगी लोगों को राहत। चेन्नई में इंटरनेशनल डायमंड और ज्वेलरी एग्जीबिशन का आयोजन, एग्जीबिशन में अलग अलग डिजाइन के गहनों की नुमाइश। गुवाहाटी पर भी चढ़ा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार, सरकार ने फीफा पोस्टल स्टाम्प को लॉन्च किया।
गुवाहाटी में मोटरसाइकिल फायर फाइटर्स की शुरुआत। दमकल विभाग ने आग की छोटी घटनाओं को रोकने के लिए मोटरसाइकिल फायर फाइटर्स को दिखाई हरी झंडी। गुवाहाटी शहर को आग से महफूज रखने के लिए फायर फाइटर्स को कराया मॉक ड्रिल। दमकल जवानों ने आग पर काबू पाने में हिम्मत सीखी। गुजरात के वडोदरा में भगवान जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां शुरू। भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा के लिए रथ को बनाने में जुटे कारीगर। टाटा मोटर्स ने गुजरात के सारण में छोटी कार नैनो का प्लांट किया बंद। नैनो की घटती मांग और बढ़ते भंडार के चलते प्लांट में काम बंद। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर लगेगी आग, 75 पैसे लीटर तक बढ़ सकते हैं दाम। आने वाले दिनों में जल्द लगेगा महंगाई का झटका। खुशखबरी, आयकर में छूट का दायरा बढ़ा सकती है केंद्र सरकार। 5 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को आयकर से मिल सकती है राहत। ट्राई ने फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रस्ताव को दी हरी झंडी। उपभोक्ता देश भर में कहीं भी अपना पुराना नंबर बरकरार रखते हुए ऑपरेटर बदल सकेंगे। 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची औद्योगिक उत्पादन की दर। बेहतर उत्पादन से औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अप्रैल में 3.4% रही। बांग्लादेश के खिलाफ सुपर संडे को टीम इंडिया की फड़ंत। रैना की कप्तानी में भारतीय टीम पर जीत का होगा दारोमदार। रैना की कप्तानी में टीम इंडिया करेगी बांग्लादेश से 2-2 हार। 3 वनडे मैच की सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगा भारत। इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका की सदी शुरुआत। जो रूट के दोहरे शतक की बदौलत इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए 575 रन। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज उरुग्वे का मैच कोस्टा रिका से। तीसरे मैच में इंग्लैंड और इटली आमने सामने। वर्ल्ड चैंपियन स्पेन की करारी हार। नीदरलैंड से 5-1 से हराया स्पेन को। इराक में जारी हिंसा पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान। इराक में इस्लामी आतंकी संगठन ISIL के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा USA। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 6.6 तीव्रता का भूकंप। जलजले की आहट से लोगों में दहशत। हिंदुकुश पहाड़ियों में भूकंप का केंद्र। यूक्रेन में विद्रोहियों ने गिराया सैन्य विमान। 40 सैनिक समेत 49 की मौत। विद्रोहियों को हवाई अड्डे के पास विमान को बनाया निशाना। यूक्रेन में बागियों और सेना के बीच संघर्ष जारी। दक्षिणी बंदरगाह पर सेना ने किया कब्जा। सैनिक कार्रवाई में कई विद्रोहियों की मौत। चीन में सामने आया समंदर में शिप हादसे का वीडियो। हाल ही में वियतनाम के एक शिप ने चीनी शिप को मारी थी टक्कर। अमेरिका में सामने आया कार हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो। बेकाबू कार पेट्रोल पंप में घुसी। हादसे के बाद शोलों में घिरी कार। अमेरिका में पुलिसकर्मी की बहादुरी से बची कार सवार की जान। कार हादसे के शिकार हुए बेहोश ड्राइवर को पुलिसकर्मी ने बचाया। चीन के जियांगशू प्रांत में सड़क पर लुटेरे का ड्रामा। चाकू की नोक पर मासूम बच्ची को बनाया बंधक। पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी अरेस्ट। वेस्ट बैंक में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। 3 इजरायली लड़ाकों की तलाश में सेना ने पूरे इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। इसराइल में सालाना गे परेड का आयोजन। गे परेड में हजारों की संख्या में जुटे लोग। जश्न का माहौल। मुंबई में अभिनेत्री विद्या बालन ने बॉबी को सब मालूम है नाम का ब्लॉग शुरू किया। विद्या ने ब्लॉग के जरिए शुरू किया फिल्म का प्रमोशन। मुंबई में फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का हुआ प्रमोशन। फिल्म प्रमोशन के मौके पर वरुण धवन और आलिया भट्ट भी रहे मौजूद। लोकप्रिय तेलुगु अभिनेत्री तेलंगाना शकुंतला का दिल का दौरा पड़ने से निधन। 63 वर्षीय अभिनेत्री की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत।